गाइस अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इबाद और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं वो है पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज। पाकिस्तान का एक्सचेंज डॉलर के मुकाबले जो है वो 154-155 तक चला गया था। वन डॉलर वाज इक्वल्स टू 154 एंड 155, स्टिल अभी भी आगे पीछे यही रेट चल रहा है। तो इसकी एक बड़ी वजह तो यह है कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात जो है वो सही नहीं है, और उसकी दूसरी वजह एक और ये है कि हम अभी IMF के पास गए हैं, तो उसकी वजह से भी डॉलर में बहुत फ्लक्चुएशन आया है। सही है। अब ये तो बात हो गई गवर्नमेंट लेवल पे, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो उसमें कुछ ऐसा है कि हम लोग बहुत ज़्यादा मुनाफाखोरी का सोच रहे हैं। सही है कि किस तरीके से हम मुनाफा कमा सकें, तो मुनाफा कमाने के चक्कर में बहुत से लोगों ने डॉलर को परचेज़ कर लिया है, और डॉलर परचेज़ कर लिया तो गवर्नमेंट के पास रिजर्व कम हो गए। गवर्नमेंट के पास रिजर्व कम हुए तो उसके वजह से डॉलर की फ्लक्चुएशन और ज़्यादा बढ़ गई है। ये पूरा का पूरा डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। तो इसमें सिंपल सी बात यह है कि हम लोगों ने डॉलर परचेज़ कर लिए तो मार्केट में डॉलर्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि हर बंदा चाह रहा है कि यार मैं अभी रख लूँ, डॉलर 160 पे जाएगा, 170 पे जाएगा, 180 पे जाएगा, तो मैं 20-30 रुपये जो है मैं कमा लूँगा। तो उसकी वजह से हमने इतनी डिमांड बढ़ा दी है कि उसकी मार्केट में सप्लाई कम हो गई। और एक नॉर्मल इकोनॉमिक्स जो पैटर्न है वो यही होता है कि अगर किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी तो उसकी प्राइस ऊपर चली जाएगी। तो इस चीज़ का बड़ा एहतियात रखें। जैसे टर्की के बारे में एक वीडियो वायरल, मतलब एक वायरल बात चल रही है कि टर्की में जब इकोनॉमिक सिचुएशन वर्स्ट हुआ था तो उन लोगों ने जो है वो डॉलर को मार्केट में सेल आउट करना शुरू कर दिया था, और इससे क्या हुआ कि उसकी सप्लाई बढ़ गई और डिमांड कम हो गई। सही, जब किसी भी चीज़ की सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, तो डेफिनेटली उसकी प्राइस जो है वो नीचे आना शुरू होगी। तो आप लोग भी ऐसा ही करें कि डॉलर को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो करें मार्केट में, उसकी सप्लाई इंक्रीज़ करें इंस्टेड कि आप उसकी डिमांड बढ़ाएं, ताकि उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो नीचे आ सके। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।